सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आज का दिन बहुत ही अच्छा है, आज की मॉर्निंग बहुत ही अच्छी है। ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ, लगभग दिन का 1:30 बज गया है। और मौसम देखिए, और का हल्की हल्की धूप के साथ बहुत अच्छी धूप भी खिली हुई है। चारों तरफ का मौसम देखिए आप, बहुत ही अच्छा हो रखा है। ऋषिकेश में अगर आप प्लान कर रहे हैं आने का तो ये सबसे अच्छा समय है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हो रही है क्रिसमस की तैयारियाँ। और कुछ इसी तरीके से होटल्स जितने भी हैं यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए इसी तरीके की तैयारियाँ यहाँ पे होती हैं। और न्यू ईयर के लिए अधिकतर लोग यहाँ पे कैंप्स में और जो भी यहाँ पे होटल हैं उसमें अपनी तैयारियों के लिए ज़रूर आते हैं। अपने नए जितने भी होटल्स हैं उन सब में यहाँ पे लोग अपना नया साल सेलिब्रेट करने के लिए ज़रूर आते हैं। और सारे होटलों में जोट हो गई हैं, देखिए आप, बहुत चहल पहल वाला माहौल है आज का। रोड भी बहुत बिजी है, बस लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हर जगह पे टूरिस्ट ही टूरिस्ट अब नज़र आने लगा है। बहुत टाइम बाद ऋषिकेश में इतनी चहल पहल लौटी है। इतनी ठंड में लग रहा था कि शायद हो सकता है कि टूरिस्ट कम ही आए, लेकिन टूरिस्ट यहाँ पे अब काफ़ी आ रहा है। देखिए आप, सामने वाले खेत पे बताऊँ मैं आपको, इस पे बहुत सारे पेड़ थे यहाँ पे साइडों में लगे हुए, लेकिन जो ये खेत के मालिक हैं उन्होंने साइडों के सारे पेड़ काट दिए और खेत बहुत ही बड़े बड़े से अब यहाँ से नज़र आ रहे हैं। देखिए सामने वाली बिल्डिंग है, कुछ इस तरीके का नज़ारा हमारे घर से इन खेतों का दिख रहा है। मैं जाऊंगी वहाँ वहाँ पीछे कैटवॉक करते हुए, मेरा शैडो हमेशा पीछे पीछे ही चलता है। शैडो क्या हुआ, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं आप? शैडो क्यों आ रहे हो पीछे पीछे बेबी? तो बहुत दिन बाद आज हम लाए हैं अपने छोटे वाले बेटे को छत पे। बहुत दिन से बीमार था, अंदर ही अंदर रखा हुआ था। कुटकुट कैसा लग रहा है अब? अच्छा नहीं लग रहा अभी भी, क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है अभी? और खांसी तो हो ही रही है। अच्छा अच्छे से हाय बोल दो सबको, सब देख रहे हैं आपको। शर्म आ रही है। निपटा के खाना वाना बना के अब थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो छत पे आ जाऊँ, बेटे को भी लेके आई हूँ, क्योंकि आपको पता है उसकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं रहती है। स्कूल तो शायद एक साल में 1 या 2 महीने ही जाता होगा, क्योंकि उसे अस्थमा का प्रॉब्लम है। जो लोग मेरे ब्लॉग पहले भी देखते होंगे उन्होंने देखा है कि उसे अस्थमा का इशू रहता है, तो वो ज़्यादा ठंड में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इस वजह से वो अभी भी स्कूल नहीं जा रहा है, और उसे ही लेके मैं थोड़ा देर छत पे आई हूँ ताकि मैं उसके साथ थोड़ी देर धूप में रह सकूँ। क्या मेरी बच्ची कमजोर जैसा महसूस हो रहा है? नहीं शो बीमार है ना बहुत दिन से, है ना, बहुत दिन से बीमार है। नहीं शो क्या और यहाँ पे मेरे बेटे ने नहला दिया है शैडो को भी, और शैडो की मस्ती देखिए कि नहाने के बाद तो मस्ती एकदम दुगनी हो जाती है और शुरू हो जाता है वो खेलने के लिए, बहुत ही ज़्यादा उसका मन करता है। तो वो बड़े वाले बेटे के साथ इधर उधर खेल रहा है, ये देखो उसकी चप्पल लेके भाग रहा है ताकि वो और खेले उसके साथ। सबसे अच्छा मुझे शैडो उसी टाइम पर लगता है जब वो नहाने के बाद अपने आप को ड्राई करता है ना, और इस तरीके से दरी में घूमता है, तो मुझे सबसे अच्छा इसी टाइम पर लगता है। नहाने के बाद देखो एकदम और ब्लैक कलर उसका और ज़्यादा डार्क ब्लैक हो जाता है। पूरी मस्ती, अब तो उसको पूरी मस्ती चढ़ गई, अब उसे खेलना ही खेलना है हर हाल में। हेलो एवरीवन, तो आज है ब्लॉग में दूसरा दिन, क्योंकि कल मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई, इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। आज मैं अभी उसे नहला के लाई हूँ छत पे, और हम लोग अभी कर रहे हैं छत पे, लेटे हुए हैं धूप में आराम कर रहे हैं। और ये देखो शैडो, शैडो शैडो बहुत गौर से देख रहा है कि ये पता नहीं क्या कर रहा है। क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में आया? छोड़ो, मैं खेलना।
खेलने ही नहीं देता। क्या हुआ? इसकी वजह से आज मेरा फट गया। तो जो मेरा बेटा है उसे अस्थमा की प्रॉब्लम है और जो सीजनल ये चेंज होता है ना इस टाइम पे मौसम, तो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। अभी भी लगभग एक डेढ़ हफ्ते से ऊपर हो गया, अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। दवाइयाँ भी रेगुलर दे रहे हैं लेकिन उतना इफेक्ट नहीं है। हर्बल में भी हम लोग तुलसी का पानी वगैरह देते हैं। आप लोगों को कुछ पता है अस्थमा के बारे में जो हम हर्बली घर का कुछ भी दे सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे इससे बहुत हेल्प मिलेगी। और ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम करता है ना तो घर की चीज़ें देने से शायद आराम हो जाता है। वैसे तो हम तुलसी हल्दी डाल के अजवाइन डाल के काढ़ा वगैरह बना के देते हैं लेकिन दवाइयों के साथ साथ, लेकिन पहले के लोग होते थे ना उन्हें थोड़ा ज़्यादा पता होता था, तो हमें तो इतना नॉलेज है नहीं। अगर आपको कुछ पता हो इस चीज़ के बारे में या आप कुछ मुझे टिप्स दे सकें तो ज़रूर कमेंट करके बताना।